हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो आज हम ड्रिप गुगु का एक और पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और आप सभी को और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी होली, तो आप लाइक जरूर करना ताकि मेरी होली भी हैप्पी हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोकू और गॉड ऑफ लाइट आपस में मिल जाती हैं और गोकू अब रेडी है दी वन ऑल अबव से लड़ने के लिए। गोकू कहता है, गॉड ऑफ लाइट मुझे उसके पास जाने का रास्ता बताओ। तब गॉड ऑफ लाइट गोकू को उसके पास जाने का रास्ता बताती रहती है और गोकू तेजी से उड़कर वहां जा रहा होता है। गोकू की रफ्तार काफी तेज होती है, मानो वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तब ये बात वन अबव ऑल को पता चल जाती है और वो कहता है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे लड़ने आएगा, हा 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 हा। आएगा तो तब ना जब वो मेरे सिपाहियों से जीतेगा। तब वन अबव ऑल एक मैजिक से लिविंग टर्मिनल को बना देता है और गोकू पर हमला करने को भेज देता है। गोकू रास्ते में है और गॉड ऑफ लाइट गोकू को रास्ते में बताती है कि वन अबव ऑल का कोई एक रूप नहीं है। गोकू उड़ते उड़ते पूछता है, क्या मतलब? गॉड ऑफ लाइट कहती है, मतलब कि उसका कोई आकार नहीं है, वो किसी भी रूप में तुम्हें मिल सकता है। गोकू कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई रूप मुझसे नहीं बच पाएगा। तभी वहाँ लिविंग ट्रिब्यूनल गोकू पर वहीं अटैक कर देता है, जो उसने वेजिटा पर किया था, जिससे वेजिटा मारा गया था। गोकू को एक झटका लगता है और गोकू नीचे गिर पड़ता है। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, हा 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 हा, ऐसे ही मैंने एक शख्स को मारा था जिसके बाल खड़े थे और उसने नीली ड्रेस पहन रखी थी। गोकू समझ जाता है वो वेजिटा की बात कर रहा है। गोकू कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी गोकू अपनी आंख झपकाता है और उसी टाइम इतना बड़ा लिविंग ट्रिब्यूनल इरेज हो जाता है। गोकू कहता है, अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। ट्रू गॉड गॉड ऑफ लाइट कहती है, गोकू ये उसी ने भेजा था। गोकू कहता है, मैं जानता हूँ वो मुझे रोकने के लिए ऐसे और भेजेगा, पर मैं उन सभी को नर्क में भेज दूंगा। इसके बाद गोकू फिर से उड़ जाता है और वन अबव ऑल के पास जा रहा होता है। वन अबव ऑल गोकू की ताकत देख के कहता है, मुझे इसे रोकना होगा वरना ये मुझे पक्का मार डालेगा। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट ने जैनो और उसके गार्ड्स को मार दिया और उससे सुपर ड्रैगन बॉल की जरूरत है। ग्रैंड प्रिस्ट विश के पास जाता है और विश से कहता है, विश तुम सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में क्या जानते हो? विश पूछता है, आप सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुमसे जितना पूछा तुम सिर्फ उतना ही बताओ। फादर, सुपर ड्रैगन बॉल्स इस वक्त पृथ्वीवासी एक लेडी के पास है। क्या तुम उस लेडी को जानते हो? हाँ फादर, वो मेरी फ्रेंड है। ठीक है, तो तुम उस लेडी को यहाँ लाओगे और मुझसे मिलवाओगे। ठीक है फादर, पर अब अगर तुमने दोबारा परवर किया तो तुम मेरे ही हाथों मारे जाओगे और मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। सॉरी फादर, जाओ और उसे लेकर आओ। इसके बाद विश वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी वहाँ फ्यूचर टाइमलाइन में दिखाया जाता है। जैनो के गार्ड्स बताते हैं, मास्टर ग्रैंड जैनो, प्रेजेंट टाइमलाइन में एक प्रॉब्लम आई है। कैसे प्रॉब्लम? ग्रैंड जैनो, प्रेजेंट टाइमलाइन में ग्रैंड मिनिस्टर ने ग्रैंड जैनो को मार डाला। क्या ग्रैंड मिनिस्टर ने ऐसे किया? क्या तुम सच कह रहे हो? जी माय लॉर्ड, ये सच है। बट क्यों? डाई ने ऐसा क्यों किया? ग्रैंड मिनिस्टर ने बगावत कर दी है और अब वो वहाँ का रूलर बन गया है। मेरे रहते वो ऐसा नहीं कर सकता। चलो रॉयल गार्ड्स, उसे मजा चखाते हैं। डाई, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, अब जैनो नहीं रहा तो यहाँ का किंग ऑफ एवरीथिंग अब मैं हूँ। ये तुम्हारी भूल है डाई, तुम कभी भी किंग नहीं बन सकते। ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ जैनो को देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो इसे मार दिया था। तुम में राजा बनने की एक भी क्वालिटी नहीं है, इसलिए तुम गुलाम थे और आगे भी गुलाम रहोगे। तुम्हें तुम्हारी औकात अब मैं दिखाऊंगा और प्रेजेंट जैनो की मौत का बदला लूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड होकर सोचता है, क्या कहा? प्रेजेंट जैनो, इसका मतलब ये फ्यूचर से आया है। तभी जैनो अपने गार्ड से कहता है, जाओ रॉयल गार्ड, मुझे डाई अपने घुटनों पर चाहिए। भले ही इसमें उसकी मौत हो जाए, पर फिर भी मुझे वो अपने पैरों में गिरा हुआ चाहिए।
तभी गार्ड्स कहते हैं, जी माय लॉर्ड, और गार्ड्स रेडी हो जाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट से फाइट करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो यहाँ खत्म हो जाती है। सिंपली आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपना फीडबैक देना है और कल का वेट करना है। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।